अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो ये गेम मेरा नूसा मैप का रिव्यू है कि मैंने क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर की नूसा मैप में। सो गाइस, ये मैप 1 किलोमीटर का है जो कि सबसे छोटा मैप है पबजी का। तो चलें शुरू करते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं इस मैप में। तो गाइस, सबसे पहले हम जाएंगे क्रिस्टल बे और वो जगह हम एक्सप्लोर करेंगे। तो हम पहुंच गए हैं क्रिस्टल बे। ये काफ़ी छोटी जगह है तो यहाँ स्क्वाड के लिए फुल लूट नहीं मिलेगी। खैर, मुझे मिला स्टोन डोर की, तो इसे ओपन करने के लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा। तो डोर ओपन करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है डोर ओपन करने के बाद। यहाँ आपको मिलेंगी 3 क्रेट्स। खैर, मुझे यहाँ मिला टैक्टिकल क्रॉसबो, जिन्हें कोई भी यूज़ नहीं करता, पर मुझे इसके साथ मिले हैं फ्लेम बोल्ट्स। इनका डैमेज नॉर्मल बोल्ट से 20% ज़्यादा है और इसे आप वुडन हट्स को भी जला सकते हैं। तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है इसका। मेरे ख्याल से ये सीमेंट से बना हुआ है। फ्लेम पोल का रिजल्ट देखने के लिए हमें शायद फ्लेम विलेज जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। हाँ जी, तो अब हम पहुंच गए हैं फ्लेम विलेज और अब हम देखेंगे कि इस फ्लेम पोल का रिजल्ट कैसा आता है। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा वुडन हार्ट जल चुका है। अगर इसमें एनिमीज़ होंगे तो आप इनको इजीली किल कर सकते हैं। आप इन सारे घरों को फ्लेम बोर्ड से जला सकते हैं सिवाय इस बड़े वाले घर के। अब हम दूसरा फीचर डिस्कस करेंगे, वो ये है कि अगर आप लैंड करने के बाद 3 मिनट के अंदर किल हो जाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली रिकॉल हो जाएंगे अनलेस कि आपका एक भी टीममेट जिंदा है। अब हम बात करेंगे न्यू व्हीकल की, जिसका नाम क्वाड है और ये ऊंची नीची जगहों पे ड्राइव करने के काम आएगी। तो चलें टेस्ट करते हैं इसे और बताते हैं कि ये कैसी है। तो गाइस, अब मैं आपको बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाली हूँ। आई होप आप इसे एंजॉय करेंगे। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करूँगी आपके साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।